नानी दमन बस डेपो से लेकर टैक्सी स्टैंड से चार रास्ते तक दमन प्रशासन द्वारा नो पार्किंग जोन किया गया है। पार्किंग नहीं होने पर लोग हो रहे हैं परेशान। साथ ही लारी गले और दुकानदारे भी हो रहे हैं परेशान। दमन प्रशासन द्वारा बिल्डिंगों के प्राइवेट पार्किंग को भी बंद कर दिया है, तो पार्किंग करे तो करे कहाँ। नो पार्किंग की समस्या से लोगों को दमन नगर पालिका के मल्टी पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर बस डेपो तक पैदल जाना पड़ रहा है। यह समस्या को लेकर दमन दीव सांसद श्री उमेश भाई पटेल ने दमन प्रशासन को लिखा पत्र। नमस्कार, दमन प्रशासन ने जो एक नया बवंडर खड़ा किया है, उस बाबत पे मैं आज कलेक्टर को लेटर लिखा हूँ और वो लेटर लिखकर मैंने मांग की है कि जो ये अननेसेसरी लोगों को परेशान किया जा रहा है वो ऑर्डर को तुरंत निरस्त करें। आप सबको पता ही होगा कि ये राजीव गांधी सेतु से लेकर बस स्टैंड से लेकर टैक्सी स्टैंड चार रास्ता तक अब ये नौ पार्किंग जोन बना दिया गया। सरकारी जमीन में तो मानता हूँ, चलो रोड पर भी मैं मानता हूँ, मगर ये जो प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट पार्किंग जो रोड के बाजू में, मतलब तो रोड के गटर को भी छोड़कर, फुटपाथ को भी छोड़कर जो जगह बची है उसमें भी पट्टी मार देना, कहाँ तक कमी आएंगे। और ये ऐसी सोच लाते कहाँ से, ये कौन है लोग, कैसी सोच रखते हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पार्किंग करेंगे, कहा जा रहा है कि वो मल्टी स्टोरी जो बनाई है पार्किंग वहां पर पार्किंग करे, तो ये टैक्सी स्टैंड पर पार्किंग करके बस स्टैंड तक आदमी चलता हुआ आएगा। और वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर एरिया में जो पार्किंग करते हैं, उससे प्रशासन को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। आज जब कोरोना काल के बाद व्यापारी लोगों की हालत सबसे खस्ता है, लोग जैसे तैसे धंधा चला रहे हैं, रोजगार चला रहे हैं, प्रशासन को चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाए और लोगों को भी परेशानी ना हो, धंधादारी लोगों को भी परेशानी ना हो। अब तो ये हो रहा है कि 500 रुपया लेके वो सब्जी ले रहा है, लेने आ रहा है या कुछ खरीदी करने आ रहा है, उसको 1,000-2,000 रुपये का मेहमा भरना पड़ रहा है। तो लोग अपना घर चलाए, बच्चों के लिए सब्जी ले जाए, बच्चों के लिए दूध ले जाए, या फिर ये पुलिस वालों की जेब भरे या प्रशासन के लिए मेमो भरे। मैंने आज कलेक्टर जी को पत्र लिखकर कहा है कि ये तुरंत रिवोक करो ये ऑर्डर, और ये जो भी है उसको ऐसी सुविधाएं दी जाए ताकि लोगों को बेनिफिट मिले, लोगों के काम धंधे भी चले और लोगों को सुविधा भी मिले। उम्मीद है कलेक्टर जी मेरी बात सुनेंगे और ये पहले जिस प्रकार से चलता था इस प्रकार से पार्किंग लोगों को करने दी जाएगी। और मैं कलेक्टर जी को कहना चाहता हूँ, मैं लंदन जा के आया था, लंदन में रोड पर ही गाड़ियों की पार्किंग होती है, एक भी पुलिस आपको रोड पे नहीं दिखेगी, फिर भी ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ है। हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन का कैसा रवैया है वो सब देख रहे हैं। तो ये मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन और हमारा प्रशासन जागे और ये फॉरेन की पॉलिसी को भी देखे, उनकी ट्रैफिक व्यवस्था को भी देखे और सब कुछ देखकर लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम करे, उनकी सुविधा के लिए। उम्मीद करता हूँ कि दमन प्रशासन मेरी बात को गौर से सुनेगा और समझेगा और लोगों की जनभावना को समझते हुए ये उपलब्धि निर्णय जो नया दिया गया है उसको योग करें। धन्यवाद।